हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम यूरो यूएसडी में लाइव ट्रेड करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहां से हमने 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है। यहां पे हमें किस तरीके का सेटअप देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हम एक एजी एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, यहां पे हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अभी अगर हम देखेंगे तो हमारे ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान देना है। देखिए, इस लेवल का अभी यूरो यूएसडी रेजिस्टेंस ले सकता है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा अलर्ट होना होगा। देखिए, आज की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 सितंबर, यहां से आज देखिए यूरो यूएसडी कितना ज्यादा यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया था। यहां से गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया और उस कैंडल को यहाँ पे क्लोज किया। इसके बाद थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पे शो किया। तो अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यूरो यूएसडी के लिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहां से अगर रेजिस्टेंस लेता है तो फिर थोड़ा बहुत नेगेटिविटी अगेंस्ट शो कर सकता है। लेकिन हम यहां से देखिए, अभी हमारा ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट यहां पे हो चुका है, लेकिन हम वेट कर रहे हैं इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद यहां से हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। और टारगेट की बात करें तो इस लेवल के आसपास यहां पे टारगेट दे सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, यहां पे इस लेवल को ब्रेकआउट इजिली कर सकता है यूरो यूएसडी, तो यहां पे हम पहले भी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर हम अभी ट्रेड को यहां पे प्लान करते हैं तो स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इस लेवल के आसपास यहां पे हम स्टॉप लॉस दे सकते हैं। ठीक है, इस लेवल के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हम इजीली यहां पे दे सकते हैं। और टारगेट की अगर बात करें तो टारगेट हम दे सकते हैं कुछ इस लेवल के आसपास। ठीक है, यहां पे हम टारगेट दे सकते हैं इजीली दोस्तों, इस लेवल के आसपास, तो यहां पे हम टारगेट रख ही सकते हैं। तो यहां पे अभी हम वेट कर रहे हैं, अभी तो यहां पे हमने ट्रेड प्लेस नहीं किया है। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट के बाद ट्रेड को प्लेस करेंगे तो फ्रेंड्स, यहां पे हमारा स्टॉप लॉस सही नहीं बैठेगा। तो अभी हम ट्रेड को प्लेस करेंगे, थोड़ा सा और यहाँ पे कंफर्मेशन चाहिए हमें। ठीक है, दूसरा दोस्तों, यहाँ पे एक और भी रिस्क है। क्या रिस्क है, देखिए यहाँ पे अगर हम RSI के लाइन को देखेंगे तो ये RSI की लाइन यहाँ पे 60 की लेवल को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकती है, यानी अभी ओवरबॉट कंडीशन में भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो यूरो यूएसडी जैसे कि हम बात कर रहे थे, इस लेवल को ब्रेकआउट करने का पूरा तैयारी कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट कर ही सकता है। दोस्तों, यहाँ पे हम ट्रेड को प्लेस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। वैसे यहाँ से इजिली हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ से हम ट्रेड को प्लेस करने वाले हैं बाय डायरेक्शन में यूरो यूएसडी में 0.20 लॉट साइज के साथ। फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ट्रेड को प्लेस कर दिया है। अभी अकाउंट साइज हमारा काफी ज्यादा छोटा है, आप देख सकते हैं $106 का यहाँ से अभी हमारा अकाउंट साइज है, काफी छोटा अकाउंट साइज है। और जो लॉट साइज हमने यूज किया है, काफी बड़ी लॉट साइज यहाँ पे यूज किया है, 0.20 लॉट साइज। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे इस ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अभी अगर हम देखेंगे तो $3 के आसपास हमारा इस ट्रेड में लॉस चल रहा है, इस लेवल के आसपास हमारा एंट्री हुआ है। लेट्स सी गाइस, ट्रेड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे हमने ट्रेड को प्लेस क्यों किया है और हमने एक्स्ट्रा किस तरीके से यहाँ से कंफर्मेशन लिया है, वीडियो के आगे हम सब कुछ समझने वाले हैं। तो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, वीडियो के आगे हम समझने वाले हैं इस ट्रेड को प्लेस करने से पहले हमने किस तरीके से एनालाइज किया, किस तरीके से कंफर्मेशन लिया, इसके बाद यहाँ से हमने छोटे अकाउंट में 0.20 लॉट साइज क्यों यूज किया। तो चलिए देखते हैं यूरो यूएसडी आगे किस तरीके से परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों। यहाँ से दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे, देखिए ये एक यूरो यूएसडी के लिए रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है मैं भी यूरो यूएसडी यहाँ से फॉल वगैरह करे, तो देखिए फाइनली यहाँ से यूरो यूएसडी ने फॉल कर दिया है। और अभी यूरो यूएसडी के लिए ये एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है, अगर यहाँ से बाइंग में जाना है तो। ठीक है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है इस लेवल से। अगर इस लेवल को ब्रेक किया यूरो यूएसडी ने तो इजीली यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लेके जाएगा। ठीक है, वैसे सेटअप तो काफ़ी अच्छा था। अभी देखते हैं यूरो यूएसडी किस तरीके से ट्रेड करता है, हम आपको अपडेट करते हैं, आप वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। Every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay.
Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friends. So finally dosto, jaise ki hum yahan se baat kar rahe the, यूरो यूएसडी इस लेवल का यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। देखिए कि यहाँ पे हमने देखा था यूरो यूएसडी के लिए ये वाला लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यूरो यूएसडी को बाय में जाना है तो फिर यहीं से सपोर्ट लेने के बाद यहीं से बाय में जाना होगा। और फाइनली दोस्तों आप देखेंगे तो जो सपोर्ट लेवल हमने यहाँ से ड्रॉ किया था, इसी लेवल से यूरो यूएसडी ने यहाँ से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद देखिए यहाँ से बाइंग में देखने को मिल रहा है। और अभी दोस्तों टारगेट की बात करें तो ऑलमोस्ट हमारे टारगेट के एकदम पास आ चुका है यूरो यूएसडी। अभी यहां पे देखेंगे हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है, तो यहां पे अभी हमारा प्रॉफिट चल रहा है $33। तो देखते हैं दोस्तों यहां पे हमारा टारगेट कितनी देर बाद यहां पे अचीव हो सकता है या फिर यहीं से मार्केट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे टारगेट को हम अचीव कर पाते हैं या फिर नहीं। सेटअप काफ़ी अच्छा था दोस्तों, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे यूरो यूएसडी इस लेवल को ब्रेकआउट करने का पूरा पूरा ट्राई कर रहा था। यहाँ पर हमने देखा यूरो यूएसडी के लिए ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, यूरो यूएसडी यहाँ से रिजेक्शन कर सकता है। और देखिए फाइनली यूरो यूएसडी ने रिजेक्शन किया। अब कहाँ तक रिजेक्शन कर सकता था उसके लिए यहाँ से हमने सपोर्ट लेवल भी ड्रॉ किया था। अभी यहाँ से मार्केट ने इस लेवल का सपोर्ट लेने के बाद देखिए अभी मार्केट बाइंग में गया है, तो इस लेवल के आसपास तो वैसे आना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है ये यूरो यूएसडी के लिए। ठीक है, इस लेवल से फिर यहाँ से फॉल वगैरह करना चाहिए। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी यूरो यूएसडी किस तरीके से यहाँ से परफॉर्म करता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे मॉडिफाई कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें यहाँ से कुछ इस लेवल के आसपास रखना चाहिए। वैसे तो हाँ, इस लेवल के आसपास यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस देना चाहिए। यहाँ से हम स्टॉप लॉस को छोटा कर दे रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे चलेंगे हम स्टॉप लॉस में और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो हम देने वाले हैं 142 का यहाँ से स्टॉप लॉस देने वाले हैं। 142 का यहाँ से हमने स्टॉप लॉस फाइनली मॉडिफाई कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिस्क कम हो गया। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पे वेट करते हैं हमारे टारगेट के लिए। लेट्स सी यूरो यूएसडी किस तरीके से परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों यहाँ से देखिए तो यूरो यूएसडी ने देखिए इस लेवल का यहाँ पे हाई लगाया। कौन सा लेवल, यहाँ पे आप देखेंगे 442 का यहाँ पे हाई लगाया और यहाँ से देखिए फॉल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला लेवल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसी लेवल से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और देखिए यहाँ से रेड कैंडल बना लिया। अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है, इस प्रॉफिट को बुक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हम गलत साबित हो चुके हैं। गलत साबित कैसे हो चुके हैं, जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पे यूनिक नहीं था। ध्यान देना, जो मिस्टेक्स हुई है हमसे, जो गलती हुई है दोस्तों, उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अड़े रहेंगे कि नहीं यहाँ पे मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लॉस भी हो सकता है। ध्यान देना, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारे कैपिटल को हमें बचा के रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पे लॉजिकली टारगेट नहीं था। यहाँ पे हमें इस लेवल के आसपास टारगेट देना चाहिए थे, हमने इस लेवल के ऊपर टारगेट दिया और यहाँ पे देखिए यूरो यूएसडी ने फॉल करना स्टार्ट कर दिया। और मुझे लगता है अब यहाँ से यूरो यूएसडी देखिए इस लेवल का रेजिस्टेंस लेने के बाद अगेन यहाँ से फॉल वगैरह कर सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारे प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम हमारे प्रॉफिट को बुक करने वाले हैं। ठीक है,
तो देखिए मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ, अगर RSI की लाइन अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ओवरबॉट कंडीशन में यहाँ पे नज़र आएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाइंग वगैरह हो चुकी है। तो हो सकता है मैं भी यहाँ से यूरो यूएसडी वगैरह यहाँ से कर दे। तो हमें क्या करना है, हमें इस लेवल के आसपास एग्जिट करना है, ध्यान देना, हमें इस लेवल के आसपास एग्जिट करना है। तो दोस्तों यहाँ से ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। फाइनली मैं यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जिट करने वाला हूँ। मैंने ट्रेड यहाँ से एग्जिट कर दिया है दोस्तों, यहाँ से हमने ट्रेड को एग्जिट कर दिया है। अब एग्जिट क्यों किया दोस्तों, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी हमने प्रॉफिट कितना बुक किया, तो दोस्तों आप देख सकते हैं $16.40, एक छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे हम बुक कर पाए। काफ़ी अच्छा सेटअप था, जिस तरीके से हमने एनालाइज किया था मार्केट ने, सेम यहाँ पे ट्रेड किया, बट मिस्टेक्स यहाँ पे सिर्फ इतनी हुई है, जो हमारा टारगेट था वो यहाँ पे लॉजिकली नहीं था। यहाँ पे जो हमें टारगेट सोच समझ के लगाना चाहिए था वो यहाँ पे हमने नहीं लगा, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल, यहीं से मार्केट घूम गया। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, एक सिंपल लॉजिक के साथ ट्रेड को यहाँ से हमने प्लेस किया था। सबसे फर्स्ट लॉजिक अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे दोस्तों हमने सबसे पहले एक कंफर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया था। देखिए यहाँ पे हमने सिंपल ये हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था। हमारी ट्रेंड लाइन को यूरो यूएसडी ने काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया था और फाइनली हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा फर्स्ट कन्फर्मेशन। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंड कन्फर्मेशन। सेकेंड कन्फर्मेशन दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। देखिए अगर हम यहाँ पे चार्ट को थोड़ा जूम इन करके देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको एक यहाँ पे कैंडल्स नज़र आएगी, जिसको हम कहते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। ये क्या है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के साथ यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे किया था। तो यहाँ पे ये हमारा एक सिंपल एक कैंडल्स के थ्रू हमने एक कन्फर्मेशन लिया था, रीजन नंबर टू। दोस्तों रीजन नंबर थ्री क्या था, इसके लिए हम चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हम आ चुके हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। अभी फ्रेंड्स जैसे आज के दिन आप देखेंगे तो देखिए यूरो यूएसडी काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन यहाँ पे ओपन हुआ था। देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ यूरो यूएसडी। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कैंडल परफॉर्म हुई है, कौन सी, बुलिश इंगल्फिंग करके यहाँ पे एक कैंडल परफॉर्म हुई है, और इसी कैंडल्स के साथ यहाँ पे इस वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया। तो ये सिंपल यहाँ पे रीज़न मेरे पास थे दोस्तों, रीज़न नंबर थ्री जिसके साथ हमने यहाँ पे ट्रेड को प्लेस किया था, जिसके बेस पे हमने एक यहाँ पे कन्फर्मेशन लिया और इसके बाद यहाँ से ट्रेड को प्लेस किया। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ से यूरो यूएसडी बाय में भी जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे इस ट्रेड में श्योर नहीं था, तो दोस्तों मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया। जो हमारे रूल्स थे, रूल्स को यहाँ पे हमने फॉलो वैसे तो नहीं किया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब आपको मन के अंदर से लगे कि हाँ यहाँ पे मैं रॉन्ग साबित हो चुका हूँ, तो उस जगह एक्सेप्ट करने में ही समझदारी है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। ये हम बात कर रहे थे इस लेवल से रिजेक्शन आ सकता है और यूरो यूएसडी यहाँ से फॉल कर सकता है, और फाइनली आप यहाँ पे देख भी सकते हैं यूरो यूएसडी ने देखिए फॉल करना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स जो प्रॉफिट हमने बुक किया है वो प्रॉफिट हमारा देखते ही देखते यहाँ से लॉस में कन्वर्ट हो जाता, और अभी तो देखिए यहाँ से और भी यहाँ से फॉल करना बाकी है, और ज़्यादा यहाँ से फॉल कर सकता है इस लेवल के आसपास, मींस हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता था। दोस्तों आपको लगे कि हाँ यहाँ से मैं गलत साबित हो चुका हूँ, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और जहाँ पे जिस ट्रेड में हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाए उस ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया हमारा कैपिटल है, हमारे कैपिटल को हमें सेव करना, सुरक्षित रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये दोस्तों अगर कैपिटल होगा तभी हम आगे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए।